हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज, इफ वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस गामा इक्वल्स टू 5/3 इज मिक्स्ड विथ वन मोल ऑफ डायटॉमिक गैस गामा इक्वल्स टू 7/5, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज। सो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि एक वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस है, उसके लिए एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट गामा का वैल्यू 5/3 है, और वन मोल ऑफ डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 7/5 है। तो इन दोनों को मिक्स करके यदि हम एक मिक्सचर तैयार करें, तो उसके लिए गामा का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करके निकालना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ रेट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंस वी रिमेम्बर दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक, सो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं सीपी से। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5R/2, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3R/2। और ये किसके लिए होता है? सो फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फॉर डायटॉमिक गैस, सीपी कितना हो जाता है 7R/2, एंड सीवी 5R/2। सो इन फॉर्मूलास यहाँ पर यूज करना। सो देखिए, दोनों ही जो गैसेस है वो वन वन मोल्स ली है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर मिक्सचर को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू सी वी फॉर मोनो एटॉमिक गैस प्लस सी वी फॉर डायटॉमिक गैस डिवाइडेड बाय टू। सो दिस विल बी इक्वल मोनोएटॉमिक के लिए हमने फॉर्मूले में लिखा 3R/2 प्लस में डायटॉमिक के लिए 5R/2 डिवाइडेड बाय टू। सो टू टू इज 4 हो जाएगा, एंड 3R+5R 8R, सो 8/4 2, यानी कि मिक्सचर के लिए सीवी मिक्सचर कितना आ जाएगा 2R की इक्वल। उसी तरीके से हम सी पी फॉर मिक्सचर कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू सी पी एम, यानी के मोनो एटॉमिक के लिए, एंड सी पी फॉर डायटॉमिक डिवाइडेड बाय टू। सो इट इज इक्वल्स टू 5R/2 प्लस में 7R/2 डिवाइडेड बाय टू। सो 7+5 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3R के इक्वल। सो चूंकि हमें एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा का वैल्यू फाइंड करना था फॉर मिक्सचर, सो दिस कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला सी पी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय सी वी ऑफ मिक्सचर। सो दिस इज इक्वल टू, सो सी पी फॉर मिक्सचर कितना है 3R डिवाइडेड बाय सी वी ऑफ मिक्सचर 3R, आर से आर कैंसल, 2 1 2 2 5 10। तो सिंपली यहाँ पर एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर द मिक्सचर कितना आ गया 1.50 के। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। विल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।